Welcome to Mommy Vlog. So I was just chilling, having some breakfast, and Kiki wanted my breakfast, so yeah. And then he said, give me food. And I'm doing the intro today. And it's my second day of my school. I'm going in a bus. Oh, no, I'm feeling sleepy, but no. Oh, no. It's about to happen. Be prepared for your eyes. Your eyes are gonna be blessed by this dance. I'm presenting my dance moves for you. It's called the back dance. Do-no-no-no. I gotta go. Bye. I'm going to school. Bye-bye. Was it quick? Loved it. You loved it? How was your day? Good. Who you played with? Jen. Oh, new friend. Are you excited for holidays? Hello, प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे. आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हिम्मत के स्कूल में होता है हाफ डे. आज समय हुआ है 12:30 एंड हिम्मत घर आ चुका है ऑलरेडी एंड ही इज अ किलर. ही स्टार्ट विद मम्मी. ओह माय गॉड, ही इज स्कैरी. सो वैसे तो हमारे इस समय खाना नहीं बनता है, ज़्यादातर मैं डिनर ही बनाती हूँ. दिन में हम लोग कुछ हल्का फुल्का ओट्स या फ्रूट्स या स्मूदी ऐसा कुछ ही खाते हैं, पर अब हिम्मत के लिए मैं बनाने वाली हूँ. एंड कल मैंने पालक पनीर बनाया था, आपको पता है. सो हिम्मत खाएगा लून वाली परौंठी विद पालक पनीर एंड सो मच बटर. एंड मैं अपने लिए भी बना लूँगी क्योंकि मैंने भी तक लगी हुई कल ना खा नहीं है उससे ज़्यादा. अपने लिए दो रोटियां बनाई थी पर मैं हाफ ही खा पाई फॉर सम रीजंस. बट नाउ आई एम हंग्री एंड हस्बैंड गए हैं जिम, वो भी आते ही होंगे होपफुली. एंड दिस किलर किड इज़ हियर. और हिम्मत को 3 छुट्टियां होने वाली हैं अब, सैटरडे, संडे एंड मंडे, क्योंकि मंडे को लेबर डे है. और हिम्मत इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. हिम्मत, आर यू एक्साइटेड और यू नॉट एक्साइटेड अबाउट छुट्टियाँ? छुट्टियाँ. सो आज हमारे घर में पिज्ज़ा पार्टी होने वाली है क्योंकि मैंने हिम्मत को किया था प्रॉमिस. वैसे हिम्मत ना पिज्ज़ा पार्टी लेता है जब उसका लास्ट डे होता है स्कूल का, बट उस दिन हमने क्या बनाया था मिमी? ओ, पास्ता, बिकॉज मिमी ऑल्सो लाइक पास्ता. सो मैंने उसे कहा था कि जब फ्राइडे होगा तो पिज्ज़ा पार्टी करेंगे. सो आई हैव टू डू पिज्ज़ा पार्टी विद हिम. डैडी इज़ नॉट अ पिज्ज़ा फैन तो वो नहीं खाएंगे. वो खाएंगे रोटी एंड साग. मिमी तो डैडी को मिस कर ना. नहीं, अगर तू घर आए और डैडी हो पर मम्मी ना आए तो मम्मी नो मिस करेगा. सो यू नीड बोथ ऑफ देम. यू आर अ क्रीपी किड. गाइस, यू नो दिस नाइफ विल ग्लो इन द नाइट. हिम्मत रेडी हो गया हैलोवीन के लिए और हैलोवीन को अभी 60 दिन पड़े हैं. सो हिम्मत का पालक पनीर एंड रोटी रेडी है पर गर्म है थोड़ी. सो हिम्मत, हेलो दोस्तों, एजेंट गाय इज बैक फ्रॉम हिज ड्यूटीज एंड ही इज ईटिंग पालक पनीर विद परोंठे. ऐसे बनते हैं मसल्स. ये मत सोचोगे प्रोटीन खाओगे, स्टेरॉइड्स लोगे तभी बनेंगे. रोटी खाओ राज के तब बनेंगे. या तो ब्यूटी व्लॉगर वही जा, तो फिटनेस व्लॉगर ना. यार तू ही तैवा तो तैवा लाला परौंठियाँ खाते हैं तो फिर मसल्स किदा बनने हैं. तुहानू मोटिवेट करन दी मैं. लुक एट माई मसल्स. ओके दोस्तों, तो हस्बैंड को भी खाना खिला दिया है. हस्बैंड के खाने पे नज़र नहीं लगाएंगे, उनको अकेला छोड़ देंगे क्योंकि खाना पर्दे के साथ खाना चाहिए. वारिस शाह लुक के खाइए भावें अपना ही गुड़ खाइए जी. ये कहावत सुनी आपने? इसका मतलब है भावे अपना खाए पर खाते समय पर्दा कर ले, क्योंकि किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या खा रहे हैं. अब मैं जाने वाली हूँ मेरे नेल्स के लिए. वैसे मैं नेल्स की इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं थी, पर अब मैंने वो नेल्स करवाए थे ना तो बेचारे बहुत ही गरीब लग गए नेल्स.
सो हम अपने का नेल्स ना थोड़े कट लेंगे घर में, क्योंकि वो जो लेडीज होती है ना नेल्स वाली, बड़ी शैतान होती है वो ना, नेल्स काटती नहीं है उसके ऊपर ही लगा देती है, फिर नीचे से लंबे नेल्स बड़े पड़े लगते हैं, ये शैतान होनी है बहू, इसको थोड़ा और काट लेंगे यार। जितना होगा उन्होंने उतना ही होने हैं। नहीं जे नेल्स थोड़े बड़े हो ना वो फिर भी ला देंगी, तो वो थलो दिखते रहते हैं, वो फिर कहनी है कि वो जल्दी वापस आ। That was probably on me. Back in time, I didn't love me. Guys, मेरा चेहरा कितना oily हो गया। आज बहुत ज़्यादा hot दिन है and कल और ज़्यादा hot होने वाला है। 29 degrees है and feels like 35 and कल होने वाला है 35। मुझे लगता है feels like 45। So बहुत ज़्यादा तिखी तो पा and मेरे nails हो चुके हैं। एंड लेडी ने ना करते करते शेप ना मेरी स्किन भी कर दी थी रिमूव, हर्ट हो गया। सो ये वाला शेड लगाया है मैंने, जो मैं शेड हमेशा लगाती हूँ उससे सिमिलर ही है, तो घंटा लग गया। बट ये है कि जब मैं आई थी कोई भी नहीं था, तो मैंने मिल गई जगह, ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं थी मेरे पास। सो लेट्स गो होम। कॉफ़ी पीना चाहती हूँ पर मैं घर जाके मेरी मशीन में बना कर डबल डबल उसको हम बना लेंगे आइस्ड। गली से रोला पा देना ही गाइस, की करिए अगर गाइस आपके गिरने का खतरा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास ना वो पॉड नहीं है, कैमरा होल्डर नहीं है, अमन लगा गिर गए। हमारी गड्डी में कोई और नहीं चलेगा भाई। सो माय किचन इज अ लिटिल मैस बट वी नो गोना केयर अबाउट दैट। हम पियेंगे कॉफ़ी, झटपट से एक कॉफ़ी तैयार करते हैं। कॉफी तैयार। सो गुड। बाय द वे अगर आपके पास ये सेम मशीन है और आप जानना चाहते हैं मैंने कौन सा केक कप यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है डबल डबल। कॉस्को में डबल डबल कॉफ़ी स्पेशल भी होती है, ये इसमें थोड़ी काली सी होती है, तो आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं। शुगर इसमें थोड़ी ज़्यादा ही होती है, वो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो कम करने के लिए भी क्रीम ऐड कर सकते हैं, दूध भी ऐड कर सकते हैं। गाइस बाहर रौला ही बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक घर यहाँ पे बन रहा है, दो घर यहाँ पे बन रहे हैं, एक घर उधर बन रहा है, एक घर उधर बन रहा है, कितने घर बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 छः घर बन रहे हैं यहाँ पे, रौला पाया हुआ दुनिया में। और एक तो इसका ये है कि रौला, दूसरा है कि ये मिट्टी इतनी उड़ाते हैं मेरा घर डस्ट से भर जाता है। मुझे लगता है कि विंटर से पहले पहले बन जाएंगे, देन वी आर डन राइट, देन नो मोर हाउस। ओके एक स्टोरी बताती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं और हिम्मत बाहर आके बैठ गए यहाँ पे सुबह सुबह चाय पीने के लिए, और हमने चाय पी एंड देन हम अंदर जाने के लिए गए, तो वो डोर बंद था और डैडी पति ने बंद कर दिया। एंड उस दिन ठंड थी काफ़ी ज़्यादा, एंड ठंड लग रही है हम दोनों को, क्योंकि हम ऐसे टी शर्ट पजामा पहन के आ गए थे। एंड हस्बैंड ने बंद कर दिया, हम नॉक कर रहे नॉक कर रहे, पति शायद टॉयलेट चले गए ऊपर अपस्टेयर्स, एंड उनको सुन नहीं रहा, वो वैसे भी ना बहुत इग्नोर ही कर देते हैं, बहुत चीज़ें सुनते नहीं वो। तो हम दोनों ने अन्ना रौला पाया, कुछ नहीं हुआ। फिर हिम्मत ये जंप करके गया, क्योंकि अभी याद है यहाँ से स्टेयर्स नहीं बनी, मम्मी हो गया कि रैबिट स्टेयर्स नहीं बनी है, तो हिम्मत जंप करके गया आगे जाके बेल बजाई, पट्टी को वो भी नहीं सुनी, तो फिर बैठे रहे बहुत देर खड़कांदे रहे, पति ने नहीं सुना, मज़े कर दे रहे, चिल कर दे रहे, टीवी देखना शुरू कर दिया उन्होंने। आई थिंक 30-40 मिनट्स के बाद पति ने सोचा लेट्स गो डाउनस्टेयर डू समथिंग, जब यहाँ पे आए विंडो से हम कह रहे ओपन ओपन, तब पति ने खोला। इट वॉज अ बैड बैड डे। उस दिन से मैं और हिम्मत इतना ज़्यादा डर गए हैं कि जब हस्बैंड जाते ना अंदर के प्लीज़ बंद मत कर दो, क्योंकि वैसे तो बंदा जितनी देर मर्जी बैठा रहे, पर जब उसे पता है कि वो फंस गया है वो अंदर तड़फन लग जाती। और उस दिन ठंडा था तो ज़्यादा गुस्सा आ गया, और हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, अदरवाइज पति को फ़ोन करो तो क्विकली आ जाएंगे, हम मैं फ़ोन अंदर छोड़ के आई थी। सो अगर मौसम अच्छा हो तो बैठ सकते हैं। याद ये है स्टोरी अबाउट मी एंड मीमी स्टक इन बालकनी 1, नॉट बालकनी, ऑन द बैक यार्ड डेक।
यहाँ पे मैं और हिम्मत एकदम फंस गए। और यार एक बार मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा मैक्सिको में भी ना हमने क्या किया था, मैंने व्हाट हैपेंड, ओ मैं बालकनी में बैठी थी और हस्बैंड बालकनी में आए एंड हिम्मत भी पीछे पीछे आ गया, हिम्मत ने डोर बंद कर दिया और वहाँ पे जब डोर को बंद करो लॉक हो जाता था और हम तीनों स्टक हो गए। हमारे पास फ़ोन था पर हम किससे फ़ोन करते एंड और सो फिर क्या हुआ कि दो चार लड़कियाँ और वहाँ पे ना ज़्यादातर लोग जो ऐसे काम करने वाले उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, हम बोल रहे कि ये ओपन करना वो करे ग्रासियस ग्रासियस, तो दो तीन लड़कियाँ निकली, मुझे लगा कि ये हमारी भाषा समझ सकती है, मैंने कहा कि प्लीज़ हमारे ना डोर खोल दोगे, हमारी बालकनी हमारी ना हमने बालकनी में स्टक हो गए, तो वहाँ पे वो आपको ऐसे देते हैं रिस्ट बैंड्स या रिस्ट बैंड देते हैं जिससे आपका लॉक ओपन हो जाता है। तो फिर क्या हमने रिस्ट बैंड को रिमूव करके या कट करके आई थिंक वी रिमूव इट, तो हमने रिमूव करके उसको दे दिया एंड वो आई गर्ल्स तीन चार इकट्ठी आई क्योंकि वो सोचते हैं ना पता नहीं क्या कोई डेंजर ना हो, अगर अकेले आदमी एंड जेंट्स होंगे तो वो शायद और डर जाती, पर वो अंदर आई तीन चार से लिया इकट्ठियाँ होके टीनेजर गर्ल्स थी उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। दैट्स अ अनदर स्टोरी मी एंड हिमर स्टक इन बालकनी विद क्रीपी डैडी। सो या इसी तरह मैं और हिमर और स्टोरियाँ याद करते हैं और आपको मिलते हैं कुछ ही देर में। ओके मेरे बालों को स्मूथ करने के लिए ना मैंने नया प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया है जो मैंने ऑलरेडी उसकी एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट की है, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी होगी या फिर मैंने टिकटॉक पे अपलोड की होगी, उसको मैं छोड़ दूँगी लिंक अगर अपलोड कर दी होगी मैंने, बहुत ही मस्त है, बहुत स्मूथ हो जाते हैं बाल। एंड मेरे इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर ले ताकि मेरे जो वीडियोज़ एंड ब्यूटी टिप्स मैं वहाँ पर देती हूँ आप मिस नहीं करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अभी तो फॉलो नहीं करते यार, एक तो आप करो जाके अभी करो राइट भाई। गाइस हमारे बैकयार्ड के बाग ना वॉकिंग के लिए ट्रेल बनी हुई है, बहुत अच्छा एंड सेफ है, हिम्मत यहाँ पे खेलता रहा, मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि अंदर से मुझे सारा दिखता रहता है ये क्या करता है, और इसने नेबरहुड में बहुत प्यारे प्यारे दोस्त भी बना लिए, हमारे नेबर्स की बेटी है बहुत ही क्यूट उसके साथ प्ले करता है। आई थिंक इन्हें आज कितने बजे जाना, आफ्टर 5 जाएगा क्योंकि वो 5 o'clock आती है अपने डे केयर से, एंड एक सामने घर है उनका बैकयार्ड लगता है हमारी तरफ, वो भी टोरंटो से मूव हुए हैं एंड वो जिनका बैकयार्ड हमारी तरफ लगता है उनके भी दो बेटे हैं, पर एक बेटे से हिम्मत की दोस्ती हो गई है वो इस वजह से क्योंकि जिस स्कूल में हिम्मत जाता है वो उसी स्कूल में जाता है, जिस क्लास में हिम्मत जाता है उसी में वो जाता है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे क्योंकि एक तो स्कूल सेम है क्लास सेम है और घर भी ऐसे ऐसे है, जब हम बाहर निकलते हैं तभी वो बाहर निकलता है। आई थिंक वो हैदराबाद से है, मैंने यू नो विच सिटी हिज पेरेंट्स फ्रॉम, भूमि सिटी भूमि की लास्ट, हमारे वहाँ पे टोरंटो में जो दोस्त थी ना बहुत प्यारी क्यूट सी भूमि, वो भी हैदराबाद से थी, उसके पेरेंट्स हैदराबाद से थे। तो पर ना बहुत सारा खलारा प्यार है जो मुझे निपटाना है, आज मैंने सोचा था कि कपड़ों को अरेंज करती हूँ कि जो हम शॉपिंग करके कपड़े आए हैं, जो वीकेंड पर मैंने लॉन्ड्री की थी वो भी है हिम्मत की हेल्प लेके करेंगे क्योंकि हिम्मत बहुत अच्छे कपड़े फोल्ड करता है। मम्मी कैन यू टीच देम हाउ टू फोल्ड द क्लोथ्स लाइक अ प्रो, और इट्स योर सीक्रेट यू डोंट वांट टू शेयर। आई वांट टू शो देम। मम्मी कुछ भी फोल्ड कर सकता है, बिग टी शर्ट बिग ड्रेसेस एंड बिग पामा, मम्मी कैन डू एनीथिंग। आई वाज गोइंग टू से दैट वर्ड आई कांट से, यू टॉट दैट नॉट टुडे। किताबें रिटर्न करने के लिए कैलगरी लाइब्रेरी पहुंच गए हैं। दिस इज द गेट।
unless you want a children's book, but other than that, that's what I've got on the shelf at the moment. Okay. Or you can order things online. Okay, I'll just check this. Thank you. You're welcome. You want to take any book? No. So you want to read this? Okay, I'll wait for you. ओके दोस्तों, हम लोग पार्क में आ गए. मैं आना नहीं चाहती थी पर पति जबरदस्ती लग गया क्योंकि मैं इंदा करने में तेरा बिना जी नहीं सकता. मेरे तो सह नहीं आने, मेरे सांप बंद हो जाते हैं. मुझे घर में करने के लिए हजारों काम है पर कह रहे ना मेरी पिट से खुड़को होंडी ओदे लिए बुलाया चला. अरे मैं नहीं जी सकता, मेरे सांप मेरे ओके ओके आने में. तू आ जा बस किसी तरह भी. मेरे गाइस पति ने ना जिम थोड़ा ज्यादा ही जोश में लगा लिया. लगता कोई नाड़ नोड़ खिंच हो गई लगा. सॉरी पति. नाड़ खिंच. ओके दोस्तों, तो मैं बता रही थी कि हस्बैंड ने ना अपनी नाड़ पुल करा ली है. मसल शेखी मार दे मार दे. किथे शेखू पांदे शेखू किथे जिम च. ओ जिम च एक नार आई सी. ਉਹ ਨਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਜਿਮ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ. ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅੱਛਾ ਮਿਲਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੋੜੇ ਟਸ਼ਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ. ਨਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ. 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਹੋਣਾ ਦਾਤੀ. ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਮੈਂ ਨਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ. ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਦਿਨ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਉਣਾ ਦਾਤੀ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਕਦਾ ਨਾ ਨਾਰ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਫਿਰ? ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ. ਮੈਂ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ. ओके हिम्मत एंड हस्बैंड अभी पार्क में ही हैं. मैं घर आ चुकी हूँ एंड मैंने ऑर्डर किया है पिज्ज़ा हमारे लिए कि आज मैंने हिम्मत को प्रॉमिस किया था. तो अब मैं पिज्ज़ा को पिक करने के लिए जाने वाली हूँ. सो पहुँच गई मैं डोमिनोज़. थैंक यू. ऑलराइट दोस्तों, हमने पिज्जा खा लिया है एंड मैंने जल्दी से क्विक क्लीन भी कर लिया. क्विक नहीं था एक्चुअली, काफ़ी लंबा समय लगा क्योंकि डिशवॉशर आज खाली नहीं हुआ है क्योंकि ज़्यादातर हस्बैंड हेल्प करते हैं डिशवॉशर को आंटी करने में. पर आज उनकी वो नर्व्स हर्ट हो रही हैं या आई डोंट नो गर्दन में कोई पेन है तो उन्होंने किया नहीं है. और मेरे पास भी एनर्जी नहीं थी करने की, तो फिर मैंने डिशेज ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो मैंने हैंड से ही वॉश कर ली है. एंड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं आज किचन को करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ एंड बहुत सारे काम किए हैं आज मैंने. पर जो मैं एक्चुअली करना चाहती थी, लाइक क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, लॉन्ड्री, वो नहीं कर पाई हूँ, वो मैं कल करूँगी. एंड दूसरी चीज़ है कि अभी मुझे एडिटिंग भी शुरू करनी है. अभी शुरू भी नहीं करी है एंड 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं. मुझे लगता है कि मुझे सोने में 12-1 तो बज ही जाएंगे क्योंकि पहले एडिट होगा, फिर सेव होगा, फिर अपलोड, बहुत समय लगेगा. एंड मैं कुछ ना कुछ अपलोड करना चाहती हूँ आज. इसी तरह आज का दिन हमारा फिनिश होता है. आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा विद माई न्यू ब्यूटिफुल पिंक नेल्स. अगर किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें. आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी मदद की ज़रूरत है मुझे. एंड कमेंट बार में बताना कुछ भी अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं. मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे. सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड मुझे फॉलो भी कर लेना वहाँ पे. मैं मिलूँगी आपको कल नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग.